ये प्रधानमंत्री फेकू प्रधानमंत्री साबित हुआ। इतने साल में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे नकारा और सबसे फेकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आजाद भारत में आप भी पढ़े लिखे होंगे, नेहरू जी जेल गए, देश आजाद हुआ, तो पैदाश ही राजनीतिज्ञ हैं। पहले तो 500 दुकानदार हैं यहाँ, वो भूखमरी के कागार पर हैं। दुकानें आप देख लीजिए, कैमरा घुमा दीजिए, वहां से लेकर यहाँ तक कोई दुकान खोली हो मेडिकल स्टोर छोड़ के, जेकर रोज कमाए का है रोज खाए का है, उनके बिघा नहीं बोआ भाए कि दुई बोरा चाउर पिसान चलाए घरे से, वो भूखमरी के कागार पर हैं। हजारों जनता जो आ रही है जा रही है वापस जा रही है किराया भाड़ा लगा के, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन किसको जिम्मेदार मानते हैं? सांसद स्मृति ईरानी को जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल, उनकी सरकार है, वो यहाँ से सांसद है, जिम्मेदार तो वही है कि हम हैं। वो तो कह रहे मौत हुई जिसकी वजह सरकार ने सील किया है। कौन से हॉस्पिटल में मौत नहीं होती है? जिला अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई कार्रवाई हुई है कभी? और उनको इतना बड़ा शौक है तो इतना एक हॉस्पिटल जो है बनवा दे कहीं यहीं। भाई इंदिरा जी ने बनवाया है इसको 1982 में, इसको संजय गांधी को और एचएल को, हाँ बनवा दें इतना बड़ा हॉस्पिटल। गांधी परिवार राजनीति कर रहा है इस पर। राजनीति? अरे वो राजनीतिक परिवार है ही है, आज का है 1947 से है। प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लोगों का जमाना था, आज की बात नहीं है। क्या ईरानी जी ने तो कल आए हैं? ईरानी जी ने कुछ काम नहीं किया यहाँ पे? अरे काम करे चाहे ना करे, अस्पताल खुलना चाहिए। हाँ काम के ठेकेदार नहीं है, आदमी परेशान हो रहे हैं, हजारों आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं किराया भाड़ा देकर, चार जिले के आदमी आते हैं यहाँ, दुकानदार सब बेरोजगार हो गए हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लागत नहीं निकल रही है, 10% का धंधा रह गया है। आप कैमरा घुमा दीजिए, देखिए वहां से लेकर यहाँ तक सारी दुकानें बंद हैं, आज 15 दिन से ये कहाँ जाएंगे, किराए की दुकान लेकर धंधा कर रहे हैं। और तो सरकारी अस्पताल में भी होती है, कितना अच्छा इलाज सरकारी अस्पताल में मिल रहा है जनता को, जाने के बाद पहले तो डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिलते हैं तो 100-100 की लाइन लगी रहती है, एक सेकंड एक मरीज को दिया नहीं जाता है, उसके बाद सारी दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। इनकी क्या व्यवस्था है? इनकी तो हर जगह व्यवस्था चौपट है, ये कानून व्यवस्था में बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। अगर इस अस्पताल को बंद कर देंगे तो लाखों मरीज इस एरिया के मर जाएंगे, ये आप समझिए। इतना अच्छा अस्पताल और इतनी अच्छी सुविधा या जितना मिलती है इतना सरकारी अस्पताल में भी नहीं मिलती है, और अगर ये अस्पताल बंद हुआ तो लाखों लोग इधर के प्रभावित होंगे। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और फैजाबाद तक के मरीज इसमें आते हैं, इधर आप देख लीजिए बाराबंकी तक के मरीज आते हैं। मैं खुद सुल्तानपुर जिले से जो है, सुल्तानपुर सिटी से 10 किलो हाँ दवा लेने आए थे, और दवा अब नहीं मिलेगी तो पुराने पर्चे पर दवा लेके चले जाएंगे। किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप, हॉस्पिटल बंद हुई है? किसको जिम्मेदार माना जाए, ये तो डॉक्टर है दवा कर रहे हैं, भगवान तो हो नहीं जाएंगे, अपनी वाले ये कर रहे हैं, जो इनके बस में रहता वही तो करेंगे, दवा करते हैं, मरीज अच्छा हो गया तो ठीक है, किसी कारण बस खत्म हो गया तो उसको क्या किया जाएगा। ईरानी जी कह रही है कि जो धरना हो रहा है ये गांधी परिवार राजनीति कर रहा है, ये गलत हो रहा है, ईरानी जी खुद गलत कर रही है। ईरानी जी को नहीं समझना चाहिए, एक आदमी के मरने से सारे जो है लोगों का पीड़ा नहीं समझना चाहिए, और जो लोग यहाँ दवा के लिए आते हैं परेशान हैं उनकी पीड़ा नहीं समझना चाहिए। जो लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, जो लोग इनके जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के नाते आत्म उसमें गोली मार दिए जाते हैं, उनके कारण भी ईरानी बोले, उस मैटर पर भी बोले। अभी सुल्तानपुर में डॉक्टर की हत्या हो गई, उस पर ईरानी जी नहीं बोल रही हैं, क्यों नहीं बोल रही उस पर? जो हमारा संसदीय क्षेत्र है वहीं पर हम बोलेंगे। अरे कैसे इनका संसदीय क्षेत्र है? इनका संसदीय क्षेत्र है तो यहाँ के मरीजों की पीड़ा नहीं समझेंगे, यहाँ के आम जनता की पीड़ा नहीं समझेंगी, फिर इसको यहाँ से नहीं लड़ना है क्या? ये सरासर अन्याय है। कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है गांधी परिवार अपने हितों के लिए सब कर रहा है। अरे गांधी परिवार कैसे हितों के लिए कर रहा है? यहाँ गांधी परिवार का कौन सा मरीज आ रहा है दिखाने के लिए? गांधी परिवार का कौन मरीज आ रहा है? यहाँ की आम जनता आ रही है ना, तो इसमें गांधी परिवार का क्या लाभ है? भाई गांधी परिवार का क्या लाभ है? आम जनता यहाँ का दिखा रही है, जहाँ भी सरकारी अस्पताल होगा उसका मतलब वहाँ जो अस्पताल खुलवा दिया उसी का निजी हो गया, वो उसी का निजी लाभ होगा उसमें से। ये जो मरीज बैठे, ये जो भाई साहब बैठे हुए धरने पर, ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये सब गांधी परिवार की हैं, इनका निजी लाभ है।
रोजी रोटी तो ये दे नहीं सकते किसी को, ये रोजी रोटी रानी जी या इनके प्रधानमंत्री जी दे नहीं सकते हैं, जिनकी लगी है उनकी छीन सकते हैं। कहते रहे 9 साल बेमिसाल है। क्या 9 साल बेमिसाल? अरे कैसा बेमिसाल है, किस जगह बेमिसाल है, कहां कहां ये सक्सेस हुए, वादा लंबा चौड़ा, ये फेकू मंत्री है, ये प्रधानमंत्री फेकू प्रधानमंत्री साबित हुआ। इतने साल में जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे नकारा और सबसे फेकू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अरे देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या किए देश के लिए काम? 18 घंटे सोता नहीं हूँ। अरे 18 घंटे सोते नहीं, उसकी जिम्मेदार वो है। 2 लाख नौकरी देने के लिए बात किए थे, 2 करोड़ कितने लोगों को नौकरी दे दिए? 96 में जितना रेलवे में लोग नौकरी करते थे आज उससे अधिक लोग नौकरी से निकाल दिए गए। महंगाई देख रहे हैं आप कितनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी आप देख रहे हैं कि लोग 10,000 रुपए पर नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार के यहाँ इतना पद खाली है। मोदी जी कहते गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ मैं, तो क्या गरीब को सोच रहे हैं कि मार डालें? यही गरीब के बारे में सोच रहे हैं कि मार डालें? 9 साल गरीबों का कल्याण किया हमने। क्या 9 साल? हाँ कल्याण तो कर दिए, कल्याण कर दिए कि उनको फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर दिए, इतना तो योगदान मोदी जी ने 9 साल में किया। हाँ जो खाने कमाने वाले बच्चे थे, जो खाने कमाने वाला परिवार था, उसको ला करके फुटपाथ पर खड़ा कर दिए, इतना योगदान मोदी जी ने किया है, इसके लिए सराहनीय है उनका। अरे विदेशों में डंका बज रहा मोदी, विदेश में तो डंका बजाएंगे, अंग्रेज भी तो विदेश से आए थे, तो ये अंग्रेज विदेशों से लाने के लिए या देश को गुलाम बनाने के लिए विदेशों के यहाँ जाएंगे, यहाँ की हकीकत कौन देख रहा है? अभी वो हुआ G20 हुआ, कितने छोटे मोटे दुकानदार बेचारे उजाड़ दिए गए झूठे उसके शान के लिए। जब आते हैं कोई विदेश का तो यहाँ वो चद्दर ओढ़ा दिया जाता है, पर्दा कर दिया जाता है। मोदी जी इस बार आ रहे हैं कि जा रहे हैं? मोदी जी को जाना जरूरी है, जाना जरूरी, बिल्कुल जरूरी, देश हित में जाना जरूरी है, देश हित में। देश हित में अगर वो नहीं गए तो आने वाले समय में फिर आप देश का कितना बड़ा नुकसान हो। ऐलान करते हैं कि मैं फिर आऊंगा दोबारा झंडा। अरे तो कौन कहता है कि मैं हारूंगा? कौन कहता है? हारने वाला भी तो कहता है मैं जीतूंगा। कौन कहता है? इस बार विधायक है, बिल्कुल होना चाहिए। ईरानी जी क्या करेंगे? ईरानी तो उनकी सहयोगी है, उनको भी जाएंगी वो। पूरी भाजपा मंडली को चला जाना, भाजपा पार्टी को चली जाना चाहिए। किसको जिम्मेदार? सांसद जी को। और किसको? सांसद जी को। हाँ सांसद जी करी, उसमें मेरा कौन सा योगदान है? मैं सांसद के कहाँ मौत हुई? बोले मौत हुई जिसकी वजह से। कहाँ हुई आप बताइए, आप पत्रकार हैं, मौत कहाँ हुई? बोले हॉस्पिटल पहले। नहीं आप ये बताइए, यहाँ से रेफर किया गया? हाँ यहाँ रेफर किया गया। डेथ कहाँ हुई उनकी? मेदांता में। तो मेदांता क्यों नहीं बंद किए? उनके बाद कोई इलाज गड़बड़ हुआ है वहीं पर कार्रवाई। कैसे पता चला इलाज यहाँ से गड़बड़ हुआ है? कैसे? नहीं नहीं कैसे पता चला उनको? वो कोई जांच करवाई या कुछ हुआ कि उनको ऐसे कैसे पता चल गया कि इलाज यहाँ गड़बड़ हुआ? उनके पास कोई प्रूफ है, रिकॉर्ड है? जब मरीज में दांतम बंद हुआ तो उसको बंद करना चाहिए था, इसको क्यों बंद? गांधी परिवार राजनीति कर रहा है अपने हितों। गांधी परिवार तो पैदाशी राजनीति है, कौन नहीं से कर रहा है? आजाद भारत में आप भी पढ़े लिखे होंगे, नेहरू जी जेल गए, देश आजाद हुआ, तो पैदाशी राजनीतिज्ञ हैं। तो आपने कहा 18 घंटा मोदी जी जगते हैं, उस बात पे कहना चाहता हूँ कि वो 18 घंटा जग रहे हैं, लोगों को 24 घंटा जगा रहे हैं। नहीं आप 24 घंटा जगा रहे हैं, आइए 10 बजे रात में आइए, लड़ जाओगे रोड पे, गिर जाओगे, हाँ मुंह से टूट जाएगा, पता लगेगा किससे लड़े, सांड से लड़ गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप आइए किसी दिन 10 बजे आ जाइए, मेरे घर सायगढ़ है, आप आइए, लड़ जाएंगे वहीं गिर जाएंगे आप। हम कह रहे हैं लोगों की उम्र 10 साल कम हो जाएगी, मेरी गारंटी है मर जाएंगे लोग 10 साल पहले अगर ये सरकार रह जाएगी तो। 24 घंटा आप जगोगे, आपकी सेहत बनेगी, खाओ पियोगे, कहीं लगेगी आप बता सकते हैं? बताइए, हमारा 6 बीघा खेत परती पड़ा है, मैं चल के भी दिखा सकता हूँ। परती पड़ा है साड़ों की वजह से, क्या करूँ मैं कहाँ से रखाऊंगा बताइए? मैं कहाँ से रखाऊंगा? सब चरवा ले रहे हैं, और यही जितना ये शासन टाइट किए, अगर एक एक ग्राम सभा में एक प्रधान को कह दें तो ये गोरु बंद नहीं जाएंगे। अगर ये बोले थे चुनाव जिता दो 22 वाला, उसके बाद हम व्यवस्था कर देंगे, तो व्यवस्था कर तो रहे हैं, भीख तो मांग रहे हैं हम, 5 रुपए नहीं है जेब में, बताइए 5 किलो राशन तो मिला है, 5 किलो राशन कौन खाएगा? कहीं कीड़ा पड़ा है, कहीं क्या पड़ा है, कौन खाएगा उसको, बताइए आप? भीख तो मांग रहे हैं रोड पे, नौकरी, 9 साल भविष्य खराब हो गया, अब क्या करेंगे?
ये तभी तो लोग चोरी डकैती कर रहे हैं, ये करवा रहे, भाजपा सरकार करवा रही है सब कुछ। हद तक जिम्मेदार भाजपा सरकार है, बस ये जान लीजिए। क्या भाजपा सरकार आएगी जाएगी इस बार? जिंदगी में नहीं आ सकती, जिंदगी में नहीं आ सकती। अगर मेरे गले पे छुरा रखने काटे फिर भी मैं वोट नहीं दूंगा, ये जान लीजिए। ऐसा क्यों, इतना नाराज क्यों हो गए? अरे नाराज है, बर्बाद कर दिए, नाराज क्या है? ये लोग पढ़ रहे हैं, कहीं दो नंबर से फेल हो रहे हैं, कोई चार नंबर से फेल हो रहा है, कोई नौकरी नहीं निकल रही है, कौन जिम्मेदार है इसका? 22 में किसको वोट दिए थे फिर? 22 में वोट दिए थे हम, लेकिन बीजेपी को नहीं दिए थे, बस इस बार नहीं देंगे। ये इस बार जीतेंगे ही नहीं, देना क्या है? इसको जीतना ही नहीं है, जिंदगी में नहीं जीतना है। 9 साल बेमिसाल, 9 साल बर्बाद हो गया, बेमिसाल की बात छोड़ो आप। हाँ 9 साल बर्बाद हो गया, 10 साल उम्र कम हो गई, हमारी कम हो गई 9 साल, क्या आप बात कर रहे हैं? आपकी उम्र कम और क्या यार, मोदी जी कह रहे गरीब का बच्चा। यहाँ भी आपके सामने कोई प्रतापगढ़ से आया था, उसको दवा नहीं मिली, 400 खर्च करके जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा आप बताइए? अगर वो मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? बीजेपी जिम्मेदार होगी इस मृत। अच्छा बताइए, एक चीज बताइए, जो परिवार की मृत्यु हुई है कितनी मदद कर दिए ये? एक चीज बताइए कितनी मदद कर दिए? अगर कोई बीजेपी का कोई कुछ हुआ होता अभी तक 10 लाख 20 लाख मिल गया होता, 1 लाख रुपए आज जाके दिए उसको, क्या मदद किए बताइए? हॉस्पिटल बंद करा दिए, हॉस्पिटल बंद करा दिए, उनको लग रहा है 24 में हमें हारना है। और जो कुछ बचा भी था वो भी हार जाएंगे। जो 10-20 वोट मिलना था, जो बैलेट पेपर पे मिल जाता है गलती से, जो दब जाता है वो भी नहीं मिलेगा। तो ईरानी जी आएंगे इस बार? आना नहीं है, वहीं लखनऊ से मुड़ जाए सीधा उधर।